नमस्कार, डीडी न्यूज पर खास प्रोग्राम एक देश एक कर एक बाजार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पूरा देश आज जीएसटी दिवस मना रहा है, क्योंकि जीएसटी यानी गुड एंड सिंपल टैक्स को लागू हुए देश में अब एक साल का वक्त बीत चुका है और अब वक्त है समीक्षा करने का कि बीता साल रहा कैसा, क्या कुछ चुनौतियां आई, क्या कुछ परेशानियां आई और किस तरह से बिल्कुल प्रोएक्टिवली जीएसटी काउंसिल और सरकार ने सामने आकर के उन सभी चुनौतियों का सामना किया और आगे की दिशा है क्या, आगे जाते हुए पूरी जीएसटी की जो पूरा इकोसिस्टम है वो देश की अर्थव्यवस्था में क्या कुछ बदलाव लाएगा, क्या बीते एक साल में जीएसटी की वजह से जीडीपी ग्रोथ और महंगाई पर सकारात्मक असर पड़ा है, इन सभी तथ्यों की विवेचना करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है डॉक्टर हसमुख अढ़िया, जो कि वित्त सचिव हैं भारत सरकार के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहला सवाल यही कि जब आप एक साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो किस तरह से ये पूरी जर्नी को आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे, बहुत सारी चुनौतियां देखी, लेकिन आज एक साल बाद एक सफल जीएसटी पूरे देश के सामने है। पिछला पूरा साल जिस तरह से रहा काफ़ी हेक्टिक रहा, हेक्टिक इसलिए कि भाई नई व्यवस्था थी, सरकार की डिटर्मिनेशन पक्की थी कि इसको लागू करना है और जो छोटे मोटे चेंजेस करने पड़े, क्योंकि दिक्कतें तो आती है हमेशा कोई नई सिस्टम होती है तो इसमें जो भी दिक्कतें आई उसमें हमें तुरंत इसके लिए कोई कार्रवाई करनी पड़ी। तो काउंसिल की काफ़ी सारी बैठकें हुई, काफ़ी सारे बदलाव भी किए गए, लेकिन क्विक किए गए, तुरंत किए गए और लोगों को तुरंत फ़ायदा दिया गया। तो एक तरह से देखें तो अधिकारियों की तरफ से मैं अगर देखूं तो ये बहुत ही व्यस्त साल रहा हमारे लिए। हमारे सब अधिकारियों की टीम ने मिलकर बहुत काम किया इसमें। आपने जो अपनी स्पीच में जिन लोगों भी धन्यवाद दिया उनसे सबसे पहला पॉइंट जो आपने उठाया वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। राज्य सरकारों की ओर से ये पूरे साल का आपका अनुभव कैसा रहा और क्या वाकई ये एक अनूठा उदाहरण है पूरे देश में कोऑपरेटिव और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का? मैं तो समझता हूँ कि अभी तक जिस तरह से जीएसटी काउंसिल का कार्रवाई चला है वो एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। जिस मैंने देखा अपनी 27 बैठकों में, और जैसे जेटली साहब हर मीटिंग में थे, मैं भी वो पूरी की पूरी 27 बैठक में रहा हूँ, तो मैंने देखा कि जिस लेवल का डिस्कशन और दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स है वो साथ मिल के एक ही चीज़ को देखते थे कि अपने स्टेट का हित देखते थे, अपने देश का हित देखते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पॉलिटिकल लाइन पे कोई अपना डिसीजन ले, तो ये और क्वालिटी ऑफ डिस्कशन भी जीएसटी काउंसिल में बहुत अच्छा रहता था। बट ऐसा कैसे संभव हुआ कि एक भी ऐसा मुद्दा नहीं मिला बीते 27 मीटिंग्स में जिसमें आपको वोटिंग पे जाना पड़े? ये सारा का सारा कंसेंसस बना कैसे और किसको आप इसका श्रेय किसे देंगे? देखिए, उसके लिए हम जो काउंसिल के चेयरमैन हैं हमारे जेटली साहब, उनको ही पूरा श्रेय देंगे। जिस तरह से उन्होंने सबको सुना, बारह घंटा बैठ के सुनते थे, और फिर अगर कोई मतलब कोई छोटा सा भी मसला क्यों ना हो सबको चांस देते थे, और अगर एक भी माइनॉरिटी व्यू है तो उसको भी इज्जत देते थे, उनके लिए भी समझाने की कोशिश करते थे, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो एक छोटा सा ग्रुप बना के भी उसको हल करने की कोशिश करते हैं। बट कभी कोई डिसीजन किसी के ऊपर थोपा नहीं गया, सब ने अगर सर्वसम्मति की है तभी ये डिसीजन हुए। आगे जाते हुए एक पहला जो चार्ज है कुछ मीडिया हाउसेस का या फिर कहें विपक्ष का, वो ये कि इन्फ्लेशन बढ़ा है बीते एक साल में और जीएसटी की वजह से महंगाई पर थोड़ा असर देखा गया, कुछ चीज़ों की कुछ सेवाओं की जो कीमत है वो बढ़ी है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इस बात का स्पष्ट कर दूं कि जीएसटी के कारण इन्फ्लेशन एक पॉइंट भी नहीं बढ़ा है। जो भी इन्फ्लेशन बढ़ा है वो कोइंसिडेंटली जुलाई में जीएसटी आया, उसके बाद ऑयल की भी दाम बढ़ना शुरू हो गए, क्रूड ऑयल की, और क्रूड ऑयल की दाम बढ़ने से पेट्रोल डीजल के ऊपर थोड़ा बहुत असर आता है, और उसके बाद ये होता है कि उसकी इनडायरेक्ट इफेक्ट बाकी सब कमोडिटी पे आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, इसलिए तो उसकी वजह से थोड़ा मामूली सा जो इन्फ्लेशन अभी बढ़ा है वो और कोई वजह से है, इसकी वजह जीएसटी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जीएसटी में हमने जिस तरह का कर का स्ट्रक्चर बनाया है, फोर्थ लेप स्ट्रक्चर, उसमें ये चांस ही नहीं है कि जो गरीबों की आइटम है, सीपीआई बास्केट की आइटम है, उसमें एक पैसा भी हमने टैक्स नहीं बढ़ाया है, बल्कि टैक्स घटाया है। तो इसलिए ये कहना कि भाई जीएसटी, मैंने भी एक कुछ अखबार में आज सुबह एक ऐसा स्टोरी पढ़ा है, बट ये कहना कि जीएसटी के कारण ये बढ़ा है वो तो ये ठीक नहीं है।
जी, तो आप क्या थोड़ी पिक्चर दे सकते हैं? हमने देखा कि जितनी भी खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं वो बिल्कुल जीरो पे रखी गई। आज ही प्रधानमंत्री ने स्वराज्य मैगजीन को एक इंटरव्यू में कहा कि 95% ऑफ जो आइटम्स हैं वो 18% या उससे नीचे हैं, केवल 5% को 28% में रखा गया है। तो क्या ये माना जाए कि जो फिटमेंट कमेटी है उसने इस बात का ख्याल रखा कि पहले जो टैक्सेस लगते थे गुड्स एंड कमोडिटीज़ पे, नए रिजिम में एक भी आइटम ऐसा ना हो जिस पर टैक्स बढ़े? नहीं, ज़्यादातर आइटम पे टैक्स घटा है, वो कुछ आइटम पे सेम लेवल पे रहा है, और एक ऐसी चीज़ है कि जो नॉर्मल सर्विस टैक्स का रेट है वो बढ़ा है थोड़ा। जी, सर्विस टैक्स का रेट पहले 15% हुआ करता था, 15.5%, अब 18% हुआ। बाकी सब आइटम पे दाम घटा है, और CPI बास्केट में 300 आइटम होती है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाली जो इन्फ्लेशन है, उसमें से 50% आर इन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, और बाकी जो 50% है वो या तो 5% में है या 12% में है। तो इस तरह से आप देखें तो रेट का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि गरीब को, मध्यम वर्ग के लोगों को प्रोटेक्शन मिले, और इसीलिए इन्फ्लेशन नहीं हुआ है। एक जो बहस चली पूरी दुनिया में अजय साहब, वो ये कि हमने जो अडॉप्ट किया फेडरल स्ट्रक्चर में, वो मल्टी स्लैब सिस्टम को अडॉप्ट किया, और आज प्रधानमंत्री ने भी वही सवाल किया विपक्ष से या पूरी जनता से कि क्या आप दूध और मर्सिडीज़ पर एक ही जैसा टैक्स देखना चाहते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो क्या स्टेबलाइज हो गया है, या इसमें और जाते हुए इसको और भी सिंपल बनाने की प्रक्रिया जो है वो आगे हम देख सकते हैं? देखिए, इम्प्रूव करने का स्कोप तो हमेशा रहेगा, आज से 10 साल बाद भी बदलाव तो आते ही रहेंगे GST के स्ट्रक्चर में या कोई भी है। हम जरूरत डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं कि अगर आइडियली 2 या 3 रेट स्ट्रक्चर और 2 रेट का तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अभी हमें टाइम लगेगा। सबसे पहले तो हमें ये प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि GST में इन्फ्लेशन ना आए, गरीबों को तकलीफ ना हो, तो वो सबसे पहले ध्यान रखा गया है। उसके बाद जैसे जैसे रेवेन्यू सेक्रीफाइस करने की गुंजाइश बढ़ेगी हमारी, और रेवेन्यू का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तब फिर स्कोप होगा, तो कुछ आइटम ऐसी है कि जो घटाया जा सकता है, जिस पे घटाया जा सके, लेकिन पूरे स्लेब को बदलने के लिए तो अभी टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी समय है कि स्लेब के बेसिक स्ट्रक्चर में ही अभी तब्दीलियाँ करें हम कुछ। आपने रेवेन्यू की बात की सर, क्या आप जब रेवेन्यू कलेक्शंस को देखते हैं बीते एक साल के, या एवरेज आपने बताया कि वो 89,885 करोड़ रुपीज़ मंथली एवरेज रहा, और अब उसमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्या ये जो फिगर्स हैं आपको आशा देते हैं, उम्मीद देते हैं आगे के लिए, ये जो ट्रेंड है वो क्या दिखाता है? नहीं, ट्रेंड यही है कि जैसे 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 लोगों को ऑप्शन नहीं है टैक्स के दायरे में आने से, जैसे ई वे बिल शुरू किया है, अब ई वे बिल का मकसद ही यही है कि जो बिना टैक्स का माल इधर उधर घूम रहा है वो सबको नेट में लाना है, तो ई वे बिल से काफ़ी सारा उसमें सुधार हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये अप ट्रेंड है, वो कंप्लायंस का भी एक वजह है, ई वे बिल का कंप्लायंस जो हो रहा है, और दूसरा जब इनवॉइस टू इनवॉइस मैचिंग शुरू होगा नई प्रणाली में, नई जो टैक्स रिटर्न प्रणाली आएगी, तो उसके बाद तो असंभव सा हो जाएगा किसी के लिए टैक्स चोरी करना, तो और बोयंसी बढ़ने की संभावना है। और जो आज पीयूष गोयल साहब ने कहा कि 13 लाख करोड़ रुपये उनको उम्मीद है कि वो मिल पाएंगे, वो आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अभी भी प्रयत्न करते रहने पड़ेंगे, कंप्लायंस ठीक ठाक हो उसके लिए। बट मैं तो समझता हूँ ये भी कम है, अल्टीमेटली तो GST की डिज़ाइन ऐसे बनाई है कि आने वाले सालों में इसकी बहुत फ़ायदा मिल सकता है हमको। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ CBIC उन्होंने एक बिजनेस चैम्बर को संबोधित करते हुए एक फिगर दिया कि केवल 1% लोग हैं जो कि 80% GST अदा करते हैं। ये जो मैट्रिक्स ऑफ इनइक्वलिटी का है पूरे के पूरे टैक्सेशन सिस्टम में, उसकी तह तक आप लोग जा पाए कि उसकी वजह क्या है, और इसको कैसे थोड़ा सा और डेमोक्रेटाइज किया जाए? वो हर तरह से नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसा है कि देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टैक्स कलेक्शन इज फैक्ट्री गेट, तो जितनी भी चीज़ें बनती है उसके फैक्ट्री गेट, तो फैक्ट्रियाँ तो बड़ी बड़ी है हमारी, तो फैक्ट्री गेट पे सबसे ज़्यादा इनकम आ जाती है, बाकी वाले तो उसमें 5% प्रॉफिट लेंगे, होलसेलर रिटेलर, तो 5% के ऊपर ही उतना टैक्स आएगा बाकी वाले का, तो सबसे पहला टैक्स तो नीचे से आ गया। सो कैश कलेक्शन ज़्यादातर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कलेक्शन से होता है, तो इसलिए ये डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ से ज़्यादा टैक्स आएगा। लेकिन ये जो चुनौती टैक्स इवेजन की है, और इसमें उनके स्टेटमेंट में ऐसा लगा कि कुछ लोग टैक्स इवेट कर रहे हैं, और ये एक चैलेंज है डिपार्टमेंट के लिए कि उसको चेक करना, और जो लोग ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनको एक्चुअली इंसेंटिवाइज करना कि आप कम्पीट करेंगे उस ऐसे लोगों से जो टैक्स की चोरी नहीं करते, ये कैसे कर पाएंगे? देखिए,
ऐसा है कि टैक्स की चोरी करने के लिए पहले तो कोई स्कोप ही नहीं रखना है हमको, और हमें टैक्स की चोरी रोकने के लिए अभी डंडा लेके किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पूरा का पूरा डेटा है, डेटा के एनालिसिस के ऊपर ही हम उनको नोटिस दे सकते हैं, बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं जरा। तो अब हमारी जो नई प्रणाली होगी टैक्स इवेजन रोकने की, वो डेटा एनालिटिक्स है, और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ काफ़ी रुक गया है, लेकिन फिर भी जो भी अभी लोग कुछ इधर उधर करने की कोशिश कर रही है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम करके या तो गलत इन्वॉइस लेके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। वो जैसे ही हमारी नई सिस्टम आएगी उसमें 1-to-1 इन्वॉइस मैचिंग होगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। सर, जब भी आप ये अभी तक तो आप जो डेटा है उसके एनालिसिस जीएसटी नेटवर्क के ज़रिए आप लोग कर रहे होंगे, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या जो पहले कारोबार का जो तरीका था जिसमें कच्ची किताब और पक्की किताब रखने का जो चलन था इनफॉर्मल और फॉर्मल सिस्टम में, और शायद जीएसटी के सबसे बड़ी सफलता यही है कि हमने ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया है, तो क्या उसमें कुछ कमी आई है? हम ये मान के चलें कि ट्रेड और जो कारोबार है वो थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज हुआ है और हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड कारोबार के सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी फॉर्मलाइजेशन हुआ है कारोबार का, और जो MSME है वो भी शुरू में बहुत रिलक्टेंट थे, बट उनको भी अभी ये लग रहा है कि ये टैक्स नेट में आने से हमको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आप बैंक लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले भी पूछेंगे आपको भी आपका टोटल कारोबार कितना हुआ, उसके लिए प्रूफ क्या है, तो बोले हमने GST भरा है। तो जैसे स्मॉल एंड मीडियम का भी क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ा है GST के आने के बाद, एक फिगर ये भी आया है, सेक्रेटरी DFS मुझे बता रहे थे कि उसमें भी बढ़ा है। तो ये एक अच्छी सिग्नल है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है, लोग अब धीरे धीरे टैक्स दे के वो फॉर्मल सेक्टर में आना चाहते हैं। तो अब वो जो सबसे बड़ा लक्ष्य आपका है सर, कि लोगों के मन में अपने से विश्वास जगाया जाए GST व्यवस्था के प्रति, और जो आज वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि MSMEs पे केंद्रित होंगी नीतियाँ, तो अब आगे जाते हुए हम किस तरह से देख रहे हैं कि उनके लिए ये गुड और सिंपल टैक्स बनाया जाएगा? एक हिंट उन्होंने ये भी किया कि शायद आप जो 3 महीने में उनसे कंपोजिशन डीलर के हो, आप जो इन्वॉइस या फिर टैक्स रिटर्न ले रहे हैं वो शायद 1 साल करने की गुजारिश आपसे उन्होंने की। नहीं, वो काउंसिल विल हैव टू थिंक अबाउट इट, काउंसिल कैन टेक ए डिसीजन अबाउट इट अप्रोप्रिएटली। ये उनका एक सुझाव उनके मन में आया होगा कि तुरंत भाई क्यों नहीं कर सकते हम, ऐसा सोचो उसके बारे में उन्होंने ये कहा। तो MSME को भी काफ़ी रियायतें दी गई है, जैसे 19 लाख हमारे SSSE है जो कि 1 करोड़ से नीचे है और कंपोजिशन स्कीम में, उनको तो सिर्फ रिटर्न भरना क्या होता है, सिर्फ टर्नओवर की डिटेल देनी है और 1% के हिसाब से उनको टैक्स भरना है 3 महीने में एक बार। सो इस तरह से ये संभव है कि ये हम, उसके अलावा भी अगर कोई उनकी कोई डिमांड है तो हम ज़रूर उसके ऊपर गौर करेंगे। लेकिन ये जो थ्रेशोल्ड है 1.5 करोड़ रुपए पर आपने 1% का जो दिया है, उसका कितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? और आपने, मुझे लगता है पहले भी एक थोड़ा हिंट किया है कि बहुत सारे लोग कंपोजिशन स्कीम का बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, 19 लाख लोग ने रजिस्टर करवाया है, उसमें से हर 3 महीने में करीब 12-15 लाख लोग रिटर्न भी भरते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको ताज्जुब होगा कि 20 लाख तक का टर्नओवर है उनको तो एग्जेम्पशन है, लेकिन ये जो छोटे कारोबारी जो कंपोजिशन वाले हैं वो जो दिखाते हैं अपना टर्नओवर, वो इतना कम दिखाते हैं क्वार्टरली रिटर्न कि उनका एनुअल टर्नओवर एवरेज 17 लाख आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि फिर उन्होंने रजिस्टर क्यों करवाया, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में क्यों नहीं, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में क्यों नहीं गए? तो थोड़ा बहुत वहाँ पर तो छोटे व्यापारी करते हैं कोशिश की, बट जब भी हम उनकी परचेस साइड को टैप कर पाएंगे कि भाई उनके परचेस साइड में कितने इन्वॉइसेज है, तो फिर वो हम उनको पकड़ भी पाएंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जब आप देखते हैं कि 15 लाख से ज़्यादा कंपनियां देश में कारोबार कर रही हैं, और आज सूटकेस कंपनी का जिक्र भी किया वित्त मंत्री ने, वहाँ पे एनालिसिस आपकी क्या कहती है? GST आने के बाद कुछ उस दिशा में आपको सफलता मिली है कि इस तरह की कंपनीज, बोगस कंपनीज, शेल कंपनीज पे कुछ लगाम लग पाए? ऐसा है कि ये GST का लाना और साथ साथ ब्लैक मनी के पीछे जाना, शेल कंपनी के पीछे पड़ना, ये सब सरकार की एक पूरी एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था का एक दूसरी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसे आप 15 लाख कंपनियों की बात करें, वो तो रजिस्टर्ड कंपनी, उसमें से 2 लाख कंपनी तो ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, अब दूसरी 2 लाख को भी नोटिस दी गई है, वो भी स्ट्राइक ऑफ हो सकती है। और हमने पाया है कि
उनमें से जो पहले टैक्स के लिए रजिस्टर्ड थे एक्साइज में या सर्विस टैक्स या वैट में, उस संख्या में वृद्धि हुई है। लोग जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है कॉरपोरेट, मतलब कि कंपनीज जो है, और इनकम टैक्स में भी नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स पहले करीब 6 लाख हुआ करते थे, अब बढ़ गया है। तो इस तरह से ये वृद्धि हो रही है, तो एक दूसरे को पूरक है ये सब परिणाम। अब उस मुद्दे पे आते हैं सर, जो जो लोग आलोचना करने वाला, वो ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था उसको सिंप्लीफिकेशन की दिशा में जीएसटी लाया गया, लेकिन अभी भी कुछ सेस हैं जो अभी सरकार लगा रही है, और कुछ राज्यों ने भी, पंजाब जैसे राज्यों ने, केरल जैसे राज्यों ने अभी एक नई चीज़ कही है कि हम अपने रेवेन्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेस लगा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस पर पूरा व्यू क्या है सरकार का? देखिए, कोई भी सेस कॉमोडिटी के ऊपर कोई नहीं लगा सकता, कोई स्टेट नहीं लगा सकता कॉमोडिटी के ऊपर, बट वो अपना मंडी, जैसे ये एपीएमसी का सर्विस चार्ज होता है, वो उसके नाम पे अगर कोई ले तो वो तो अलग बात है कि एपीएमसी का सर्विस चार्ज, मंडी टैक्स जिसको बोलते हैं, उस तरह के टैक्सेस तो काफ़ी सारे स्टेट में है ही, जो मंडी में सामान आता है उसके ऊपर सर्विस टैक्स के रूप में होता है, सर्विस चार्ज के रूप में वो, तो वो अलग है। बाकी कोई टैक्स कॉमोडिटी के ऊपर जीएसटी काउंसिल को पूछे बिना कोई स्टेट नहीं लगा सकता। और ये जो खबर आ रही है कि शुगर केन के ऊपर उसके लिए एक अलग से सेस, या फिर एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लिए सेस, तो मतलब पूरे सेस स्ट्रक्चर के लिए आप लोगों का क्या आउटलुक है, ये हम समझना चाह रहे हैं। वो उसके लिए अब एक कमेटी बैठी है, व्यापक रूप से हमें फिर से सेस नहीं लाने चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कॉमोडिटी में जहाँ कीमतें बहुत गिर गई है और जहाँ सेस डालने का स्कोप है, और वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए, और वो भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए कि भाई ये काम के लिए हम लगा रहे हैं, तो ये संभव है। आपने एक बड़ी बात का जिक्र किया, वो है पॉलिटिकल विल, और आपने कहा कि 17 साल से इस पे बहस और मुबाइसों का दौर जो है हम लगातार देख रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल विल पहले की सरकारों में दिख नहीं रही थी। ऐसा क्या बदला 2014 के बाद में, और किस तरह से आप पॉलिटिकल विल पावर को देखते हैं इस पूरे व्यवस्था को लागू करने के लिए, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई भी इतने बड़े रिफॉर्म में आपको पॉलिटिकल विल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये डिसीजन नहीं होता है टॉप लेवल पे कि इसको लागू करना है, जब तक वहाँ पर अनसर्टेनिटी है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई भी सरकार ये सोचे कि भाई इसका दुष्परिणाम हमारी वोट बैंक के ऊपर क्या होगा, या तो हमारी राजनीति के ऊपर, फिर तो ये इतना बड़ा रिफॉर्म करना मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने आज बताया उधर फंक्शन में भी कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्लियर डायरेक्शन अधिकारियों को दी गई कि इसको लागू करना ही है, समय में लागू करना है, और अधिकारियों ने भी अपनी मेहनत दिखाई और इसको लागू कर पाया। राज्य सरकारों के जब अधिकारियों से, जो लोग एक्साइज से शिफ्ट किए हैं पूरे जीएसटी सिस्टम में, जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो इस पूरी व्यवस्था को किस तरह से ले रहे हैं, और राज्य सरकारों की अपनी क्या फीडबैक है इस पूरे व्यवस्था को लेकर के? नहीं, राज्य सरकार को तो सबसे ज़्यादा फायदा जीएसटी का हुआ है, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने उनको ये आश्वासन दिया कि हम आपको 14%, और वो भी कानून से, हमने कानून बनाया बाकायदा कि आपका रेवेन्यू हर साल 14% के ग्रोथ रेट के साथ हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसलिए राज्य सरकारों को तो खुशी ही खुशी है। और जहाँ तक ये बदलाव का सवाल है, बदलाव में हमेशा चेंज मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत पेन तो होता है ऑफिसर्स लेवल पे वगैरह, बट अभी मेरा ये देखना है कि अभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने इसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्टेंस जो है वो आप कह रहे हैं सिस्टम में आ गई है, लेकिन अब वो बात जिसकी चर्चा पिछले बहुत सारे दिनों से हो रही है, वो टेक्नोलॉजी को लेकर के आपने जो कमेंट किया कि जीएसटी नेटवर्क में शायद कुछ ऐसी ग्लिचेज रहीं जिसकी वजह से हम बहुत स्मूथ ऑपरेशन नहीं कर पाए, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे, या फिर जो नया सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर जो है वो, जो आप जिस पर काम कर रहे हैं, वो किस तरह से आप लागू करने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नोबडी कैन विजुलाइज 100% कि क्या होने वाला है, और हम हमेशा देखते हैं, कभी कभी हम जाते हैं कि कोई प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, बहुत बड़ा अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना के, डिफ़िकल्ट स्लाइड्स, ट्रांजिशन मूवमेंट, ये सब हम बना के जाते हैं पावर पॉइंट, पर सडनली कुछ आ जाता है, कंप्यूटर चलता ही नहीं, या तो फिर वो खुलता नहीं है फाइल, तो टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा बहुत ये रहता ही है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ कि शुरू में कुछ दिक्कतें आई लोगों को, और फिर हमें कुछ उसमें बदलाव लाना पड़ा, और फॉर्म की जो डिज़ाइन वगैरह बनाई गई थी वो भी बहुत सोच विचार के बनाई गई थी,
लेकिन लोगों ने उसको कहा कि नहीं ये नहीं चलेगी, हमें उसे दिक्कत आ रही है, सो फिर हमें बदलना पड़ा और हमने बदल दिया, तुरंत बदल दिया। अब जो नया फॉर्म है वो कब तक आएगा और क्या ये जो पुराने फॉर्म्स हैं वो लागू रहेंगे, उसके बारे में कोई? नहीं, अभी जब तक नया फॉर्म नहीं आएगा तब तक पुराना फॉर्म नंबर 3B और GSTR 1 वो तो चालू रहेंगे, पर उसके बाद एक ही रिटर्न हो जाएगा महीने का, और उसके लिए हम कोशिश करें कि अगले 6 महीने में इसको लागू कर दें, सो बाय एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर हम उसको लागू करना चाहते हैं। अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का आज का चार्ज, जो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने कहा कि अब इस वक्त GST के तहत आपको 1,000 रिटर्न्स फाइल करनी है, 37 जुरिसडिक्शंस में 3-3 अलग अलग रिटर्न्स, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें आ रही हैं वो है ग्रॉस डिलेज इन रिफंड्स, इन दोनों मुद्दों को आप किस तरह से काउंटर करेंगे? देखिए, रिफंड का मुद्दा जहाँ तक है हमने बता चुके हैं, देर वेर डिलेज, और डिले क्यों हुआ था कि लोगों को रिफंड की जो एप्लीकेशन है उसमें गलत कॉलम में गलत चीज़ डाल दी थी उन्होंने, इसलिए ऑटोमेटिक रिफंड का प्रोसेस में उनको ऑटोमेटिक रिफंड मिला नहीं। फिर हमने उनको समझाया कि भाई आप ऐसी गलतियाँ नहीं कर सकते, और फिर जब सही मायने में जब अब जो पिछले महीने के रिफंड के जो एप्लीकेशन है वो अच्छी तरह से भर रहे हैं तो तुरंत उनको ऑटोमेटिक 3 दिन में रिफंड मिल जाता है। okay. रिटर्न फाइल करने के बाद वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चला गया IGST रिफंड। IGST रिफंड, और जो पुराना था उसका भी हमने 90% बैकलॉग क्लियर कर दिया, मैनुअल में जाके कुछ चेंजेस करके, लोगों से एफिडेविट लेके, सेल्फ डिक्लेरेशन लेके हमने उनका क्लियर कर दिया। तो 90% तो बैकलॉग चला गया है, अब बचा है सिर्फ 10%, और वो भी ऐसी गलतियां लोगों ने की है कि वो अब सुधारने में ही हमको टाइम लग रहा है, तो ये भी हो जाएगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि अभी वो कोई ग्लिच रहा है, आप किसी को भी पूछिए, ऐसा कोई ग्लिच है नहीं, 10% ही बाकी बचा है, और जो हर महीने नया आता है वो तो अपने आप ऑटोमेटिक चला जाता है IGST रिफंड वाला। ITC रिफंड में कहीं कहीं जगह कुछ कुछ स्टेट में सुस्ती है, तो वो हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरा इशू है कि इतने सारे रिटर्न कहाँ से, इतने सारे रिटर्न, रिटर्न तो हमारे दो ही है, 3B और 1। अगर कोई ये कहता है कि मैं अगर पूरे 31 स्टेट्स में कारोबार कर रहा हूँ तब अलग बात है कि 31 स्टेट में वो रजिस्टर कराए और उसका भरे, बट वो सब भी अपनी एक जगह पे बैठ कर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? वो कोई दिक्कत नहीं है 31 स्टेट में भी अगर आपका कारोबार है। और पहले क्या होता था, फिर पहले भी तो वही होता था, सर्विस सेक्टर को छोड़ के कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जिस जिस स्टेट में जो वो करता था वो हर स्टेट में एक एक रिटर्न फाइल करना पड़ता था, वेट का नहीं, और एक्साइज का अलग, सर्विस टैक्स का अलग। तो पहले भी तो 3 रिटर्न थे, अगर वो मैन्युफैक्चरर भी है, अगर वो मैन्युफैक्चरर और सर्विस भी देता है तो उसको 3-3 रिटर्न पहले हर स्टेट में फाइल करना होता था, अब तो 3 रिटर्न नहीं है, 2 ही है, और वो 2 का भी 1 हो जाएगा। चले, ये एक बड़ी बात है, लेकिन अब आगे जाते हुए जो अनफिनिश्ड एजेंडा है जिस पर बहुत बार आपको सवाल किया गया कि रियल एस्टेट का क्या होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या होगा, राज्य सरकारों को जो डर है कि उनका रेवेन्यू जाएगा उसका क्या होगा, इन सबको लेकर के आप किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और काउंसिल का क्या अभी विचार है इसमें? देखिए, ऐसा है कि कुछ आइटम जो बाहर रह गई है GST के, वो आइटम के बारे में स्टेट गवर्नमेंट को चर्चा तो शुरू करनी चाहिए, और चर्चा शुरू होगी भी GST काउंसिल में, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता कि स्टेट्स का कितना कंफर्ट लेवल है इसको लागू करने के लिए, बट जब डिस्कशन शुरू होगा तो पता चलेगा, और एक बार हम लोग समझ लेंगे इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, और वो इम्प्लीकेशन अच्छे से समझने के बाद डिसीजन हो सकता है कोई भी। जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो कारोबारी हैं सर, उनका ये कहना है कि जब हम सरकार को जैसे इनवॉइस रेज करते हैं तुरंत हमें GST का पेमेंट करना पड़ता है सरकार को, लेकिन जो मेरी पेमेंट आती है उसको आने में देर लग जाता है, तो ऐसे में हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, तो क्या सरकार ऐसा कुछ व्यवस्था कर सकती है कि जब वो पेमेंट हमें मिले उसके बाद हमें टैक्स देना पड़े, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़, हम कॉम्पिटेटिव नहीं रह पाते दूसरे कारोबारियों की तुलना में? देखिए, अभी हमने जो GST में किया है वो वही है जो पहले वेट में था और एक्साइज ड्यूटी में था। आपको महीने के जितने भी इनवॉइस आप रेज कर रहे हैं वो इनवॉइसिस का अगले महीने की एक्साइज में 7 तारीख तक देना था, वेट में 20 तारीख तक देना था मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, तो हमने 20 तारीख ही रखी है, 7 तारीख नहीं रखी है, तो अब एक्साइज वाले को भी अब 20 तारीख, मतलब कि एक्साइज तो मर्ज हो गया, तो GST को अब 20 तारीख की है हमने, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। नाउ ये तो नई डिमांड है कि भाई जब पैसा आए तब हम टैक्स पे करें, वो अब पता नहीं कहाँ तक एक्सेप्ट कर पाएंगे हम लोग जी। गुड
एंड सिंपल टैक्स जो अवधारणा प्रधानमंत्री ने रखी, अब सबको ये इंतजार है कि कब वाकई ये गुड एंड सिंपल टैक्स होगा और कब हम सिंप्लिसिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्या हमें माने कि 1 जनवरी 2019 से ये रियल सेंस में लोगों के लिए गुड एंड सिंपल टैक्स हो जाएगा? मैं माफ़ी चाहूँगा, ये ऑलरेडी गुड एंड सिंपल टैक्स है, कब होगा उसका सवाल ही नहीं है। ऑलरेडी अच्छा, इट्स ए गुड एंड सिंपल टैक्स। 17 अलग अलग टैक्सेस, उनका कंप्लायंस बर्डन, अलग अलग जगह पे गाड़ियों को रोकना, अलग अलग इंस्पेक्टर घर पे आए आपके, वो दुकान पे आए, आपकी ऑफिस में आए, ये सब बंद हो गया है। तो इट इज़ ऑलरेडी गुड एंड सिंपल टैक्स। एक टैक्स की चिंता करनी है, एक रिटर्न फाइल करना है, तो ऑलरेडी ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। और ई वे बिल सिस्टम आपने बहुत ही स्मूथली उसको इंट्रोड्यूस किया और सभी राज्यों ने उसको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो मूवमेंट्स है उसके लिए लागू कर लिया। अब वहाँ से जो डेटा हमें मिल रहा है उसको हम कैसे कोलेक्ट करेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे दूसरे पॉलिसी डिसीजंस में, उस पर आप लोग कुछ राय बना पा रहे हैं? क्योंकि एक वो बहुत ही गोल्ड माइन है डेटा का कि कहाँ से गुड्स सर्विसेज कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, इंडस्ट्री के लिए भी हमारे अच्छा है और जो कंज्यूमर्स हैं और सरकार उसके लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ही है। ये बिल्कुल करना होगा कि माल किसके पास है, किसके पास गया और उसने अपने रिटर्न में ये माल दिखाया कि नहीं, बस उतना ही देखना है। वो कंप्यूटर आसानी से कर सकता है और हम कर रहे हैं। आगे जाते हुए आपका फाइनल कमेंट, जीएसटी का एक साल हम मना रहे हैं, अगला जन्मदिवस जब हम मनाएं तो आप किस तरह से, क्या कुछ आपका विजन है? क्योंकि आपने सुपर ही एक तरह से पूरा लीड किया है पूरे के पूरे कैंपेन को, और आपको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामना। आपके फाइनल कमेंट्स प्लीज। वेल, मैं रहूँ ना रहूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टैक्स का सुधार है जो आने वाली पीढ़ियाँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी की सरकार को देगी, क्योंकि ये इतना अच्छा। और जैसे यंग जनरेशन है, उनको तो ऐसा ही कुछ चाहिए, उनको वो झंझट में पढ़ना ही नहीं कि एक नंबर का बुक्स अलग, दो नंबर का बुक्स अलग। दे आर ऑल बिलीविंग इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिटर्न। तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए एक टैक्स प्रणाली है, और इसको अच्छी तरह से यंग जनरेशन स्वीकार करेगी। और आज से 5 साल के बाद मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू बोयेंसी भी इतनी अधिक होगी कि देश को गरीबों के लिए कार्यक्रम लागू करने के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अढ़िया, डीडी न्यूज़ पर खास बातचीत के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो अगला जो एक तरह से जो दिशा है जीएसटी की, वो एक पारदर्शी और ईमानदार कर व्यवस्था की, जिससे कि अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कारोबारी हों, उपभोक्ता हो या फिर ग्राहक हो, आम आदमी हो, और इन जनरल जो देश को पैसा चाहिए विकास के लिए, उसकी कमी फिलहाल आगे आने वाले दिनों में होने वाली नहीं है। ये डॉक्टर अधिया का कहना है। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन जीएसटी के एक साल यानी जीएसटी दिवस पर विशेष चर्चा या विशेष कवरेज हमारी लगातार जारी है। आज शाम को भी 7 से 8 आपसे मुलाकात होगी पूरे एक घंटे, और हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देश के तमाम हिस्सों से जो फीडबैक हमें मिले हैं जीएसटी व्यवस्था को लेकर, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, और डीडी न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।